एक ग्रोथ की तरफ जो है वो चलना पड़ता होता है। बट स्टार्ट में क्या हुआ कि हमें जो है वो एडवर्टाइजमेंट जो है वो चाहिए होती है। तो सेम इसी तरीके से जो अमेजोन का बिजनेस है ये भी इसी तरीके से है। इसके लिए जो है वो एडवर्टाइजमेंट आप आउटसाइड द अमेजोन भी कर सकते हैं और इनसाइड द अमेजोन भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर अभी जो स्टडी करेंगे इनसाइड द अमेजोन को, तो इनसाइड द अमेजोन जो एडवर्टाइजमेंट है वो ये है कि PPC एक अमेजोन की एक जो है वो कैंपेन होती है, जिसका मतलब होता है कि पे पर क्लिक कैंपेन। ठीक है, कि मतलब जिसमें आप जो है वो अमेजोन को एक एक क्लिक के ऊपर जो है वो अमेजोन को आप अपने जो है वो पैसे दे रहे होते हैं। अब पे पर क्लिक का मतलब क्या होता है कि लाइक जिस तरीके से ये देखें आप जो है वो हम यहाँ पर इसको ओपन कर लेते हैं, कोई भी जिस तरीके से हम लेते हैं, तो ये हम इस प्रोडक्ट की एग्जाम्पल ये लेते होते हैं। तो यार मैंने जो है वो ये देखें गार्लिक पेस्ट यहाँ पर टाइप किया है, तो अभी आप यहाँ पर ये देखिएगा इधर स्पॉन्सर्ड आएगा अभी देखें। अच्छा ये देखें यहाँ पर ये आपके पास स्पॉन्सर्ड आ गया है। सही है, अगर हम इस स्पॉन्सर्ड के ऊपर जो है वो माउस होवर करके जाते हैं, सही है, पेज जरा लोड हो जाए, ये देखें। अच्छा ज़रा आप इसको जो है वो स्टडी करेंगे तो ये आपको ये बता रहा है कि यू आर सीइंग दिस एड, सही है। अभी देखिए एड एड का यहाँ पर भी ये देखिए एड आ गया, तो मतलब ये कि एडवर्टीजमेंट हो रही है, सही है। एड बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट्स रेलिवेंस रेलिवेंस टू द टू योर सर्च क्वेरी, ठीक है, कि मतलब कि आप ये इस वजह से आपको ये एड दिखाया जा रहा है क्योंकि अमेजोन समझता है कि जो आपने गार्लिक प्रेस टाइप किया है, ठीक है, वो हो सकता है कि इस प्रोडक्ट से क्या है वो रेलिवेंट है। ठीक है, तो ये बेसिकली होती है। अच्छा ये क्या होता है कि मीन्स के अब ये देखें जो है वो अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट्स को जो रैंक करने का वो फार्मूला है वो क्या है, वो सिंपल फार्मूला है कि आप किसी भी कीवर्ड के अगेंस्ट जो है वो उसकी सेल्स वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर दें, सही है, उसकी कन्वर्जन जो है वो बढ़ा दें। तो अमेजोन ने क्या करना है उस कीवर्ड के अगेंस्ट आपको क्या कर देना है, रैंक कर देना, सही है। अच्छा अब शुरू में तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता क्योंकि जो है वो आपकी जो सेल्स होती हैं बेसिकली वो आपकी जो है वो होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ इन रिव्यूज एंड प्राइस, सही है, और प्राइस भी आप जो है वो मुफ्त तो खैर नहीं दे रहे होते शुरू में भी, तो इसका मतलब ये होता है कि फिर जो है वो रिव्यूज़ को लोग देखेंगे। अब रिव्यूज़ आपके पास स्टार्ट में होते नहीं है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो प्रोडक्ट की जो सेल्स के चांसेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। मीन्स कि जब वो उसकी सेल्स नहीं होंगी तो वो अमेजोन के एल्गोरिथम को उसको वो पिक भी नहीं करेगा कि इसकी तो सेल्स वेलोसिटी ही नहीं है तो इसको ज़रा नीचे रखें। तो इसलिए जो है वो इसकी इसको इसको काउंटर करने के लिए जो है वो इस सारी चीज़ को इसके लिए जो है वो अमेजोन आपको इंट्रोड्यूस करवाता है अपनी विद इन द अमेजोन पेज के ऊपर प्रमोशन, सही है, और वो हो जाती है आपकी ये PPC, ठीक है। तो इस PPC को जो है वो फिर हम आगे यूटिलाइज करते हैं, इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जिस तरीके से आप ये देखें इस वक्त ये जो है वो हमने एक गार्लिक पेस्ट लिखा और इसका एक पूरा स्टोर EKO वालों का जो है वो एक स्टोर फ्रंट जो है वो ऊपर नज़र आ रहा है आपके पास यहाँ पर, सही है। अगर आपको इस तरीके से कोई पसंद है तो आप यहाँ से ये जाके ले सकते हैं ऑन सॉन। इस तरीके से अमेजोन में ये देखें चार लोग जो है ये स्पॉन्सर्ड ऊपर नज़र आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। एंड देन अगर हम नीचे जाते हैं तो ये देखें आप ये जो है वो अच्छा इसको बोलेंगे कि ये स्पॉन्सर्डली रैंक हुआ है नंबर 1 के ऊपर, स्पॉन्सर्डली रैंक हुआ है नंबर 2 एंड 3 एंड 4, इस तरीके से, सही है। ये है ऑर्गेनिक रैंक नंबर 1, सही है। जब कभी भी कोई क्लिक होगा तो इसके ऊपर ये इसको ये जो है वो पैसे देगा, सही है। अब वो पे पर क्लिक पे पे मीन्स कि अब ये पे करेगा, अगर हम इसके ऊपर इसको क्लिक कर देते एक तो इसने जो भी अमेजोन को कहा होगा कि मुझे जब भी कोई गार्लिक पेस्ट टाइप करे और आपने मुझे ऊपर शो करवाना है तो मैं आपको इतने पैसे दूंगा, सही है। तो अगर हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं अभी तो वो फिर अमेजोन उससे जो है वो उतने पैसे क्या करेगा, डिटेक्ट कर लेगा। अब आगे जो है वो सेल हुई है नहीं हुई इसका कोई आप यूँ कह लें कि अमेजोन के साथ हिसाब किताब नहीं है, बट ये है कि अमेजोन ने आपको कहा था कि हम आपका प्रोडक्ट ऊपर जो है वो डिस्प्ले करवाएंगे और अगर क्लिक आ गया तो आपको आपको हमें पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इस बात पे एग्री हुए तो अमेजोन ने जस्ट क्लिक के ऊपर ही अपना काम खत्म करके आपसे पैसे चार्ज कर लेंगे, ठीक है जी। तो मीन्स के PPC वो एक टूल है जो कि हमें हेल्प कर देती है अगर हमारे पास रिव्यूज नहीं है, ठीक है, और सेल्स वेलोसिटी नहीं है, तो मीन्स के हम इस PPC वाले टूल को यूज करके हम अपनी जो प्रोडक्ट है वो टॉप ऑफ द रिजल्ट्स में जो है वो हम शो करवा सकते हैं। बट ये होगा कि इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। अब मैं इस वक्त इसके
पर क्लिक करोगे तो इसको पे करना पड़ेगा, जबकि ये देखिए ऑर्गेनिकली रैंक नंबर वन के ऊपर है, तो इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो इसको कोई पे नहीं करना पड़ेगा अमेजोन को, ये वैसे जो है वो ऑर्गेनिकली रैंक है। सही है। अच्छा जी, अब ये हो गया आपका एक जो है वो शॉर्ट से इंट्रोडक्शन पीपीसी का। देन फिर आता है कि हमारे पास के एडवर्टीजमेंट, ये जो कैंपेन्स आपके ऊपर यहाँ पर जो, फिर क्या होता है कि कैंपेन्स जो है वो क्रिएट की जाती होती हैं। ठीक है, तो अब कैंपेन्स होती हैं वो बेसिकली दो टाइप्स की होती हैं अमेजोन के ऊपर, एक होती है आपकी ऑटो कैंपेन और दूसरी होती है मैनुअल कैंपेन। सही है। ऑटो स्टैंड फॉर के जो है वो ऑटोमेशन है। सही है। अब जो अपने नेम से ही जो है वो आपको शो करवा रही है, तो इसमें क्या होगा कि अमेजोन आपको दोनों ऑप्शन देता है। अमेजोन कहता है कि अगर आपके पास कीवर्ड्स हैं, मीन आप समझते हैं कि ये जो कीवर्ड है मुझे इसके ऊपर जो है वो अपनी प्रोडक्ट ऊपर शो करवानी चाहिए, ये प्रोडक्ट मेरी ये जो कीवर्ड है वो मेरी प्रोडक्ट से रेलिवेंट है, तो हमें बताएं, हम आपको जो है वो उसके ऊपर फिर आप जो है वो हमें बता दें तो हम आपका जो प्रोडक्ट है वो ऊपर शो करवा देंगे। अगर आपको नहीं पता कि जो है वो आपकी प्रोडक्ट के कौन कौन से कीवर्ड हैं और किधर किधर इसको शो करवानी है, ठीक है, तो फिर आप क्या करें, कैंपेन टाइम में कैंपेन की टाइप में जो है वो ऑटो सेट कर लें और बाकी वाला काम क्या करें आप हम पे छोड़ दें, तो वो हम जो है वो आपके लिए बाकी वाला सारा काम कर देंगे। ठीक है, तो ये एक बेसिकली जो है वो मेजर डिफरेंस होता है ऑटो एंड मैनुअल के अंदर, कि मैनुअल में जो है वो आपको कीवर्ड्स की लिस्ट देना पड़ती है अमेजोन को। सही है। और ऑटो के अंदर जो है वो कीवर्ड्स होते हैं इनका जो फैसला होता है वो अमेजोन क्या करता है, खुद करता है, वो खुद जो है वो इस बात को डिसाइड करता है कि किधर आपको शो करवाना है और किधर आपको शो जो है वो नहीं करवाना। अब इस बात का फैसला कि जो है वो किधर शो करवाना है किधर शो नहीं करवाना, वो जो है वो अमेजोन पिक करता है आपकी कैटेगरी से। सही है। ये जो आपने कैटेगरी लिस्ट की होती है और देन उसके बाद ये जो आपने कंटेंट जो है वो लिखा होता है उसके हिसाब से, कि जो आपका कंटेंट होगा उसके तो एल्गोरिथम जो है वो जो है वो अपनी एआई को यूज करते हुए, सही है, आपके कंटेंट को एनालाइज करके वो फिर डिसाइड करते हैं कि अच्छा ये वाला जो कीवर्ड है वो इससे रेलिवेंट हो सकता है, तो इस वजह से मे बी इस कस्टमर को ये दिखाई जाए ताकि वो, मे बी हो सकता है कि वो ये जो इसी के लिए इसको ढूंढ रहा हो या इसको जो है वो खरीदना चाह रहा हो। सही है जी। अब ये बेसिकली आपका जो है वो इंट्रोडक्शन होता है पीपीसी का, और जो है वो आप कह सकते हैं कि ऑटो एंड मैनुअल कैंपेन के दरमियान में क्या डिफरेंस होता है इसका आपका। ठीक, अब दोनों के क्वेश्चंस क्लियर हैं जी सर। ओके, थैंक यू सर। जी? और कोई? ये आमिर मुजीब, आप जो है वो बड़ी जल्दी क्लास छोड़ के जो है वो चले जाते हैं। अच्छा जी, खैर आगे चलते हैं। आगे आता है हमारे पास हाउ टू क्रिएट एडवर्टाइजिंग कैंपेन, हाउ टू कैलकुलेट ए कॉस्ट, हाउ टू ऑप्टिमाइज पीपीसी कैंपेन, डू एंड डोंट्स फॉर द पीपीसी कैंपेन। सही है। ऑप्टिमाइज का मैंने आपको ऑलरेडी जो है वो एक डिटेल सेशन दिया हुआ था जब हम इधर रिपोर्ट्स को जो है वो हम स्टडी कर रहे थे, बट अगेन जो है वो इधर आया तो फिर हम इसको अगेन एक दफ़ा फिर देख लेंगे, तो ये ताकि आपको जो है वो पता चल जाए कि ये बेसिकली ये वाला काम किस तरीके से होता होता है। तो ये अच्छा, अब इसमें जो है वो कहता है कि हाउ टू क्रिएट एडवर्टाइजिंग कैंपेन, इसमें जो है सिंपल मैं एक मिनट देखता हूँ अगर जो है। अच्छा जी, इस वक्त जो है वो ये एक कैंपेन जो है वो बेसिकली चली हुई है। सही है। और इस पर हम जो है वो आगे देखते हैं कि कैंपेन बेसिकली आप क्रिएट कैसे करते हैं। या तो सिंपली आप क्या करेंगे, ये देखें आपके पास यहाँ पर ये जो है वो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होता है क्रिएट अ कैंपेन का। सही है। तो ये आप सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपको जो है वो इस पेज के ऊपर ले जाएगा। ठीक है, कि कैंपेन की जो है वो आप बेसिकली टाइप सेलेक्ट करें। सही है। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स कौन सी होंगी, मीन्स के प्रोडक्ट के इस प्रोडक्ट पेज के अंदर जो आपको जो है वो नज़र आ रही होंगी। सही है, तो ये आपकी होंगी
है वो ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स जिसको आप कह सकते हैं कि मीन्स के जो, अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो ये बस ये जो एग्जांपल है सही है, ये वाली सही है, ये वाली आपकी होंगी कि ये कौन सी हैं, ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। इसमें अगर आप जाएंगे इस टाइप की कैंपेन के अंदर तो वो आपको जो है इस की कैंपेन जो है वो क्रिएट कर देगा। देन इसी तरीके से स्पॉन्सर्ड ब्रांड हो जाता है, सही है। अभी देखिए जो हेडलाइन के अंदर जो है वो आ रहा है, जिस तरीके से भी हमने ये ओपन किया है, ठीक है। और ये देखें ये इधर आपके पास ये हेडलाइन में ये आ रहा है, सही है। मीन्स कि ये इस टाइप की हम कैंपेन बेसिकली उस वक्त सेलेक्ट करते हैं जब हमें ब्रांड की अवेयरनेस देनी हो। मीन्स हमने एक ब्रांड, अब जिस तरीके से यहाँ पर तो खैर हम लोग तो जो है वो क्योंकि हमने पाकिस्तानी रुपीस से फिर डॉलर्स में लेके जाना होता तो हमारे लिए एक प्रोडक्ट ही लॉन्च करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट ये है कि जो गोरे होते हैं उनके लिए तो मीन्स के 1 डॉलर तो 1 डॉलर ही है ना, सही है। तो वो फिर कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स होते हैं, तो वो फिर क्या करते हैं एज वो एक ब्रांड लॉन्च करते हैं, सही है। ब्रांड्स के अंदर जो है वो उस टाइप के जितने भी प्रोडक्ट्स होती हैं एक नीश के अंदर जो है वो उसको फिर वो लॉन्च करते हैं, सही है। अब इस तरीके से ये है, ये देखें अभी अगर हम इसके जो है वो ब्रांड के ऊपर जो है वो लैंड करते हैं जाके, तो भी आप इस देखिए इसका जो इसको फ्रंट है, सही है, इसके अंदर इसने जो है वो बहुत सारी जो है वो चीज़ें इस वक्त जो है वो लॉन्च कर रखी होंगी। अभी देखें एक इसने ये लॉन्च किया है, सही है। ये देखें सही है, तो मीन्स के उसने जो है वो एक ट्रैश कैन जो है वो लॉन्च कर रखा है, ठीक है। बाकी जो है वो ये है, ठीक है। अब आप देखें जो है वो इसी से जो है वो इसी के ब्रांड पता चल रहा है कि ये एक अच्छा जो है वो सेलर है। ठीक है जी, कि मीन्स जो है वो एक डस्टबिन होती है, सही है। उस डस्टबिन के अंदर जो है उसने पूरी एक वैरायटी जो है वो इधर लॉन्च कर दी हुई है, ठीक है। तो ये होता होता है बेसिकली, सही है। इसमें तो मीन्स कि अगर ये अब इस तरीके से जो है वो ये जो है अब डेफिनेटली इसने कोई पेटेंट वगैरह भी लिया होगा, जिस तरीके से यहाँ पर ये जो है वो यहाँ पर शो करवा रहा है ये, सही है। तो सेम जो है वो डेफिनेटली इसने कोई पेटेंट वगैरह लिया होगा इसका। अच्छा, अब जब लोग जो है वो इस तरीके के काम करते हैं, सही है, तो वो क्या करते हैं, वो जिस तरीके से आप अपनी दुकान की जो है वो एक शॉप की जो एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं, सही है, इस तरीके से ये लोग भी क्या करते हैं कि अपना जो एक पूरा ब्रांड होता है उस ब्रांड को जो है इंट्रोड्यूस करने जा रहे होते हैं अमेजोन के ऊपर। तो अमेजोन फिर उसके लिए सजेस्ट करता है कि आप क्या करें, आप ये जो स्पॉन्सर्ड ब्रांड टाइप की कैंपेन है आप ये जो है वो ट्राई करें। इससे क्या हो कि जो कस्टमर लैंड हो वो आपके आपके ब्रांड के पेज के ऊपर लैंड हो, ताकि उसको पता चले कि आप जो है और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर जो है वो दे रही हैं, सही है। फिर क्या होता है कि फिर अमेजोन प्रोडक्ट की जो डिटेल्स पेज होते हैं, सही है, जो लिस्टिंग का पेज होता है, फॉर एग्जांपल जो है अगर हम इसको इसमें से जो है वो किसी प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं, लाइक इस वाली को ओपन कर लें, सही है। तो आप यहाँ पर देखेंगे अमेजोन इसके अंदर भी जो है वो आपको एड्स यहाँ पर शो करवा रहा है, सही है। नीचे चल के ये देखेंगे ये वाली, तो ये जो है इसको टारगेट कर रहा है इस वक्त, ठीक है। एंड सेम इस तरीके से फ्रीक्वेंटली बाउट टुगेदर में भी इसको, एंड अगेन जो है वो प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू दिस आइटम में देखें स्पॉन्सर टाइप में, मीन्स के जो है वो यहाँ पर भी इनके एड्स जो है वो रन कर रहा है ये, सही है। तो मीन्स अगर आपने जो है वो इस तरीके का कोई काम करना है कि प्रोडक्ट की जो डिटेल पेज है इसको हम डिटेल पेज बोला करते होते हैं प्रोडक्ट का, सही है। इसके ऊपर जो है वो इसके अंदर विद इन दिस पेज, इस पेज के ऊपर अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी जो है वो प्रोडक्ट की डिटेल्स जो है वो अमेजोन को नजर आए, आपकी प्रोडक्ट भी कस्टमर्स को जो है आपकी प्रोडक्ट नजर आए, तो अमेजोन आपको वो भी फिर जो है वो अलाउ करता है, और वो इस तरीके से ये एक स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले, सही है। मीन्स के जो है वो जिनका जो है शॉपिंग बिहेवियर जो है वो आपकी प्रोडक्ट से रेलिवेंट होगा, या फिर मीन्स जो है वो जो इस तरीके की परचेजेस करते होंगे, तो फिर अमेजोन क्या करेगा उनको जो है वो इस तरीके के प्रोडक्ट्स जो है वो आपके प्रोडक्ट दिखाएगा, ताकि जो है वो आपके सेल के चांसेस ज़्यादा हो। अच्छा, इन दो कैंपेन्स के लिए आपके ब्रांड का जो है वो होना लाजमी है, ठीक है। अभी हमने जो है वो रिसेंटली पढ़ा था कि ट्रेडमार्क और ब्रांड रजिस्ट्री में क्या फ़र्क होता, तो हमने वहाँ पर देखा था कि
जो स्पॉन्सर्ड गारंटी कैंपेन्स होती हैं जिनके ब्रांड रजिस्ट्री अमेज़न उन्हीं को लागू पड़ता है, तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं सही है। तो मुझे कह रहा है इनरोल योर ब्रांड के, आपका ब्रांड है पहले आप इनरोल करेंगे देन आपको जो है वो इस टाइप की जो कैंपेन है वो जो है वो चलाने की क्या की जाएगी, इजाज़त दी जाएगी, इस तरीके की ऐड चलाने की इजाज़त दी जाएगी, सही है। तो फिर जो है वो हमारे पास क्या है, बस ये स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स की जो कैंपेन है वही हमें अलाउड है, उसी को जो है वो हम लेके कंटिन्यू करते हैं। तो इन तीनों में से समझ आ गया है सब लोगों को कि इसके अंदर क्या फर्क है बेसिकली स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स ब्रांड्स एंड स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले में। सर ये बेसिकली पीपीसी हम कैसे क्रिएट करते हैं, ये वही टॉपिक है ना? जी, सही है। और कोई सर जी एक बार फिर बता दें जरा, मैं लेट हो गया क्लास। अच्छा, ये जो लोग लेट आ रहे हैं ना आज, तो ये जो इन हो गए मीटिंग के अंदर सही है, अदरवाइज जो है वो क्या होगा कि 9:20 के ऊपर जो आपकी मीटिंग है ना वो मैं लॉक कर दूंगा, जो भी नए लोग आए वो नहीं सकेंगे सही है। तो 9 बजे टाइम है तो 20 मिनट मेरे ख्याल से बहुत होते हैं आपके लिए, ये कि बंदा जो है वो आ जाए, बाकी वाले लोग जो है वो 9 बजे एग्जैक्टली 9 बजे आ सकते हैं तो आप क्यों नहीं आ सकते भाई, 10 बज रहे हैं सही है, और 10 बजे लोग आके कह रहे हैं, अभी हमने सिर्फ 10 मिनट पहले स्टार्ट किया और फिर भी आके कह रहे हैं कि जो है वो लाइक आप जो है वो लेट हो गए हैं। इसी बात को लेकर तो जो है वो लेक्चर लेट स्टार्ट किया था कि चले सारे आ जाए तो एक ही वीडियो स्टार्ट करते हैं। सर जी आज पहला दिन था, लेट हो गया हूँ, पहले 9 बजे आ जाता हूँ सर जी। अच्छा खैर, जो है वो अभी हमने ये देखा था कि हम एक जो पीपीसी कैंपेन होती है सही है उसको क्रिएट कैसे करते हैं, तो उसका सारा प्रोसीजर था ठीक है। न्यू कैंपेन्स में कैंपेन स्टोर में जाके सही है, आप न्यू कैंपेन के जस्ट न्यू कैंपेन का जो है वो एक ऑप्शन होता है सही है क्रिएट कैंपेन का, आप उसको क्लिक करते हैं तो आपको वो इस पेज के ऊपर क्या करेगा वो लैंड करवा देगा सही है। तो इसके अंदर इस कैंपेन के अंदर जो है वो 3 टाइप्स की कैंपेन्स फिर आगे अमेजोन आपको जो है अलाउ करता है, एक ये कि स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स मीन्स क्या होगा डिफरेंट प्रोडक्ट्स के दरमियान में आपके प्रोडक्ट को शो करवा दिया जाएगा लाइक इस तरीके से सही है, अब इस तरीके से ये शो हो रही है देखिए स्पॉन्सर्ड और जो ऑर्गेनिक है रैंक है वो दोनों आपको जो है वो मिक्स मिला के जो है वो आई जा रही है सही है। तो इसको हम बोलते हैं कि ये हमारी क्या है, ये जो है वो स्पॉन्सर्ड कैंपेन है सही है। देन आता है स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स ठीक है, कि मतलब हेडलाइंस के अंदर हेडलाइन अमेजोन का जो हेडलाइन का पेज है सही है, इसके अंदर जो है वो अमेजोन आपको अलाउ करता है कि आप जो है वो अपनी इसके अंदर जो है वो अमेज़न आपको अलाउ करता है कि अगर आपने अपने पूरा एक ब्रांड लॉन्च किया है तो सही है, तो उसको जो है वो आप इस तरीके से क्या होगा कि अगर इस टाइप के आप जो है वो लाइक कैंपेन्स क्रिएट करेंगे तो जो कस्टमर होगा वो इधर जो है वो आपके प्रोडक्ट के जो पेज है उसके ऊपर लैंड होगा, बट यहाँ पर क्या होगा कि आपके स्टोर फ्रंट के ऊपर जो है वो लैंड होगा, मतलब जो भी आपकी बाकी भी प्रोडक्ट्स होंगी एक दफा जब उसने क्लिक कर लिया तो आपकी जितनी बाकी भी प्रोडक्ट्स होंगी वो भी जो है वो आपके कस्टमर्स को क्या होंगी नजर आ रही होंगी ठीक है। अगर आप एक बहुत बड़े वो सेलर हैं सही है, आपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो है वो अमेजोन के ऊपर लॉन्च कर रखी हुई है एक ही नीश और एक ही कैटेगरी के अंदर सही है, आप जिस तरीके से भी हमने यहाँ पर देखा है कि एक बंदा जो है वो सारे डस्टबिन ही बेची जा रहा है सही है, जिस तरीके से ये है ई के ओ वाला सही, ये देखें जो है वो स्टेप कैंस है, मोशन सेंसर ट्रैश कैंस है सही है, और ओपन टॉप ट्रैश कैंस है सही है। तो देखिए जो है वो इसने मतलब ये जो डस्टबिन है उसके अंदर ही सारी जो है वो पूरा एक ब्रांड लॉन्च किया हुआ है, तो ये बेसिकली जो है वो इस तरीके की जो कैंपेन अमेजोन के ऊपर क्रिएट कर सकते ताकि वो जो बंदा भी आए सही है एक टाइप का जो है वो ये जो ट्रैश कैन है वो लेने के लिए, ताकि उसको और भी पता चले कि अच्छा इसके पास और भी ट्रैश कैन है सही है, तो वो जो है वो उसको फिर अमेजोन के नज़दीक ये होता है कि ये जो ये चीज़ होती है ये आपके कस्टमर को जो है वो कन्विंस करने में ज़्यादा पावरफुल होती है ठीक है, और आपकी सेल्स को क्या करती है इंक्रीज करती है सही है। अच्छा अब
तो हमारे पास, हमें क्या समझ लगी कि अगर आपके पास प्रोडक्ट्स की पूरी एक लाइन है, ये कैटलॉग है एक ही टाइप की प्रोडक्ट्स का, तो आप फिर स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स को जो है वो ट्राई करते हैं। एंड देन क्या होता है कि अगर आप चाहते हैं कि जो अमेजोन की जो प्रोडक्ट का जो लिस्टिंग पेज है सही है, जो प्रोडक्ट का डिटेल पेज है उसके ऊपर जो है वो, उसके अंदर जो है वो आपको अमेजोन जो है वो आपके प्रोडक्ट को शो करवाए, तो देन आप जो है वो ये स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले जो है वो बेसिकली वो यूज़ किया करते हो, और वो आपको जो नजर आता है इस टाइप का। जैसे यहाँ पर ये देखें आप, ये देखें प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू दिस आइटम, ठीक है, और ये देखें जो है वो स्पॉन्सर्ड, और ये अमेजोन ने जो है वो सारे ये आपको जो है वो शो करवा रहा है, सही है। तो ये बेसिकली होता है आपका कि मतलब आप अगर विद इन द प्रोडक्ट के जो डिटेल पेज होता है उसके अंदर से भी जाके, इवन पे यहाँ तक भी जो है अमेजोन आपको अलाउ करता है कि आप इसके जो कस्टमर है उसको क्या कर सकते हैं, डाइवर्ट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल जिस तरीके से ये है, ये बंदा जो है वो 995 का जो है वो एक गार्लिक प्रेस बेच रहा है, वो मैं यही जो है वो 695 या 595 में लगा दूं, सही है। यहाँ पर ये देखें आपके पास प्रोडक्ट उनकी डिटेल उनकी जो है वो डिटेल्स भी प्राइस पीस भी आ रही है, जब इसलिए देखें 499 का लगा रखा है इसने, बट इसकी रेटिंग सही नहीं है। अगर जो है वो और कोई हो जिसने सस्ता करके लगाया हो, अब इस तरीके से ये देखें, सही है। अब अमंग ऑल ऑफ दिस इसकी जो प्राइस है ये 599 है, सही है, और ये सबसे सस्ता बेच रहा है इस वक्त। इसके पास रिव्यूज भी 21 एफिशिएंट रिव्यूज हैं, सही है, जो कि पीपीसी के लिए अच्छे एक साबित हो सकते हैं। तो ये 15 रिव्यू के ऊपर आपकी पीपीसी कैंपेन जो है वो अच्छा परफॉर्म करने लग जाती है, अमेजोन का इंटरनली डेटा है ये। तो इस वक्त जो है वो डेफिनेटली जो जो भी इसका कस्टमर आएगा वो इसको जो है वो क्लिक जरूर करेगा, इसको चेक जरूर करेगा कि अच्छा है, बाकी सारे सेलर जो है वो 10-11 के बेच रहे हैं और ये $6 का बेच रहा है, तो देन डायरेक्टली क्यों ना इसको ट्राई कर लिया जाए। मीन्स के जो है वो एक खास हद जो है वो परसेंटेज अमेजोन के ऊपर भी जो है वो लालचियों की है, सही है, जो कि प्राइसेस भी दिख रहे होते हैं साथ में, सही है। तो मीन्स कि लो प्राइस करके, सही है, तो आप उन जो कस्टमर होते हैं उनको आप जो है वो अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है अगर आप जो है विद इन द डिटेल पेज जो है वो अमेजोन के ऊपर अपनी प्रोडक्ट का जो पेज जो है एड वो शो करवाना चाहते हैं, तो अब जो है वो आप क्या करेंगे की जो कैंपेन उसके अंदर स्पॉन्सर डिस्प्ले में जाएंगे, सही है। हम इस वक्त जो है वो कंटिन्यू करते हैं इसी के साथ ही, सही है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो आपसे कैंपेन का नेम पूछता है, जो भी आपने यूजर फ्रेंडली नेम अपने ऐप्स को लेव करने के लिए जो आपके आपके लिए इजी टू रिमेम्बर हो, सही है, तो वो आप यहाँ पर रखते हैं। ये स्टार्ट डेट, अगर आपने आज से स्टार्ट करनी है तो आज से, अगर आप क्या प्लान है थोड़ी देर बाद स्टार्ट करने का तो आप उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं, सही है। एंड डेट बेसिकली ऑप्शनल होती है और ये हम सेट नहीं करते, और ये हम क्यों नहीं सेट करते इस बात को मैंने कल बड़ी जो है अच्छे तरीके से है वो बता दिया था कि क्यों नहीं सेट किया जाता है इसको, सही है। अगर आपके पास डेली बजट, तो जितना आप अमेजोन को जो है आप चाह रहे हैं कि मीन्स जो है वो $15 डेली खर्च हो या $20 डेली खर्च हो, तो आप यहाँ पर उसको बता देंगे, ठीक है, तो वो जो है वो क्या करेगा उतने पैसे जो है वो आपके डेली के क्या करेगा वो कंज्यूम करना शुरू कर देगा। अच्छा, इसमें जो है वो डेली बेड के ऊपर खास कोई एक लिमिट नहीं होती होती, सही है, मतलब ना आपने सेलेक्ट कर लिया इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि 15 के 15 जो है वो खर्च होंगे, कभी कभार कम भी खर्च हो सकते हैं, सही है, और कभी कभार चाहे तो अमेजोन 15 की जगह 17 भी यूज कर सकते हैं, सही है। मीन्स बट ये होगा कि वो जो है 15 को कभी 30 नहीं करेगा, सही है, बट ये है कि $1-2 जो है वो ऊपर जो है वो ले जाता है अमेजोन इस तरीके से, सही है। मीन्स जहाँ भी ऑप्शन सिस्टम उसका चल रहा होगा और आपका प्रोडक्ट उसके अंदर इनरोल होगा, तो वो वहाँ पर जो है वो आपको, अगर आपने वहाँ पर विन कर लिया ऑप्शन, तो वो आपको वहाँ पर पैसे पे जरूर करेगा, सही है, तो उसके जो चार्जेस आ गए वो इसके अंदर जो है वो ऐड हो गया आपको डेली बजट के अंदर। देन होता है आपकी टारगेटिंग, मैं आपको पहले जो है एक्सप्लेन कर चुका हूँ, टारगेटिंग दो टाइप्स की होती है, ऑटोमेटिक टारगेटिंग एंड मैनुअल का टारगेटिंग, सही है। ऑटोमेटिक में वजह से बता भी रहा है, अमेजोन भी टारगेट की बट प्रोडक्ट दैट सिमिलर टू योर प्रोडक्ट्स इन योर एड, सही है। अमेजोन बेसिकली जो है वो ये काम सारा खुद करेगा कि जो भी आपकी प्रोडक्ट से रेलिवेंट जो है प्रोडक्ट्स होंगी, तो उनके अंदर जो है वो जो आपकी प्रोडक्ट के रेलिवेंट कीवर्ड है उनके ऊपर क्या करेगा, ये शो करवाएगा, सही है। चूज कीवर्ड और प्रोडक्ट्स टू टारगेट शॉपर सर्च एंड सेट कस्टम बिल्ड, सही है जी। ये मैनुअल के अंदर आप जाते हैं तो फिर अमेजोन आपको कहेगा कि ये ले लीजिए आपके जो भी आपने कीवर्ड मतलब जिसके ऊपर आपने जो है वो आपने
जो है वो अपनी प्रोडक्ट को शो करवाना चाह रहे हैं, मुझे वो ही दे रहे हैं, तो उसके ऊपर जो है वो मैं शो करवाना शुरू कर दूंगा। सही है, तो ऑटोमेटिक के अंदर बेसिकली जो है वो ये करता होता है। सही है, ऑटोमेटिक और मैनुअल के ऊपर चल गया अपने लोगों को। तो आगे जो है वो बेसिकली आता है आपके पास कैंपेन की जो बिडिंग स्ट्रेटेजी होती है उसको, मतलब आप किस तरीके से जो है वो इसके ऊपर जो है वो अपनी बिडिंग जो है वो करना चाहते हैं। अब जरा इसको जो है आप सुन लेंगे, डायनामिक बिड्स डाउन ओनली ओनली, ठीक है, एंड देन कह रहे हैं डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन। डायनामिक एंड फिक्स्ड ये जो दो वर्ड है, सही है, इसका जो पहले मतलब समझ लें। डायनामिक होता है कि वेरिएस्ट मीन्स के जो के वेरिएशन क्रिएट करता है, सही है, मीन्स की जिसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती है। आप इसको यूं समझ सकते हैं थ्रू आउट द टाइम जो है वो चेंज होती रहती है। सही है, अच्छा, उसके बाद अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि डायनामिक बिड्स अगर आप रख देंगे, ठीक है, और डाउन ओनली में, सही है, फॉर एग्जांपल आपने कहा जी ये एक कीवर्ड है इसके ऊपर जो है वो मैं मींस जो भी आपको नंबर ऑफ कीवर्ड्स की जो लिस्ट दे रहा हूँ, सही है, उसमें मैंने अगर किसी कीवर्ड की जो लिमिट रखी मैंने आपको $1 गई है कि मैं इसके ऊपर बिड करूंगा, सही है, तो आपने क्या करना है $1 मैक्सिमम प्राइस होगी, सही है, बट उसके अगेंस्ट जो है वो अगर आप देख देख रहे हैं, सही है, कि कहीं पर बिड जो है वो लो बिड के ऊपर भी जो मेरे उस ऑप्शन को जो है वो विन करने के चांसेस हैं, तो आप प्लीज उसको डाउन भी कर दीजिएगा। सही है, मींस बट ये जो मेरा $1 है ना, ये मैक्सिमम लिमिट है, $1 से ऊपर जो है वो आपने कभी भी जो है वो किसी कीवर्ड के ऊपर ऑप्शन अगर हो रही है तो मुझे जो है वो नहीं लेके आना। जी समझ लगी इस बात की कि डायनामिक डाउन में ओनली, डाउन ओनली में क्या होगा? सर काइंडली थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे दोबारा से। अच्छा, डायनामिक यहाँ पर आपको जो है वो बिल्डिंग की तीन टाइप्स की स्ट्रेटजीज नजर आ रही हैं, डायनामिक बिड्स डाउन ओनली, डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन, एंड फिक्स बिड्स। सही है, अब डायनामिक बिड्स डाउन ओनली के अंदर बेसिकली क्या होगा? अब लेट्स सपोज जो है वो हम किसी भी कोई एक कीवर्ड था, सही है, उसके ऊपर जो है वो बिडिंग हो रही थी, ठीक है, और हमने जो है वो कह दिया कि ये जो $1 है, सही है, यहाँ तक आपने अपनी बिड करनी है। सही है, अब ऐसे तो हो सकता है ना कि हर कीवर्ड के ऊपर है वो $1 ना हो, किसी के ऊपर किसी कीवर्ड के ऊपर जो है वो सेलर बहुत कम हो, कंपटीशन बहुत कम हो, जो हाई सेलर है वही जो है वो आपका 50 सेंट्स ऑफर कर रहा हो, तो उस केस में जो है वो अगर हम $1 ला देंगे तो हमने बहुत ज्यादा हाई बिड कर दी ना। सही है, तो इस केस में जो है वो अमेजोन आपको बेसिकली ये फैसिलिटेट करता है कि अगर जो है वो कहीं पर जरूरत नहीं है $1 ऑफर करने की, सही है, और उससे कम जो है वो ऑफर करके भी अगर उस चीज को विन किया जा सकता है, तो इस टाइप में जो है ये होगा आपके पास कि मतलब $1 आपने जो है वो मैक्सिमम कैप उसके ऊपर अप्लाई कर दिया हुआ है, $1 तक या इससे कम तक जहां भी कोई ऑप्शन में किसी कीवर्ड के ऊपर आपका जो है वो काम चल जाता है, तो वह अमेजोन क्या करेगा उसको जो है वो ऑफर कर देगा डाउन ओनली के अंदर। सही है, अगर जो है वो $1 से किसी भी कीवर्ड की जो बिड है ऊपर चली गई, तो क्योंकि आपने $1 अलाउ किया हुआ था और इधर से जो है वो डायनामिक्स डाउन ओनली था, तो वो अब उसको अप नहीं करेगा $1 से। सही है, वो बस उसको जो है वो $1 तक रखेगा, या फिर $1 से कम अगर कोई बिड आ रही है तो उसमें जो है वो आपको एडजस्ट करेगा। जैसे ही जो है बिड किसी कीवर्ड की $1 से ऊपर गई, वो आपको जो है वो उस ऑप्शन लिस्ट के अंदर नहीं लेके आएगा। सही है, तो ये है डायनामिक बिड्स डाउन ओनली। नहीं समझ लगी? जी सर, खैर नेक्स्ट। अच्छा, आता है डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन। सही है, अब अगेन डायनामिक बिड्स का मतलब है देन अगेन जो है वो जो बिडिंग है वो अगेन जो है वो फ्लैक्चुएट होगी। सही है, अगेन जो है वो ऊपर नीचे हो रही होगी। सही है, बट इस टाइम क्या होगा, अप एंड डाउन दोनों फंक्शंस काम करेंगे।
सही है। अप एंड डाउन का मतलब क्या है, ये मतलब वी विल रेज योर बिड्स बाय अ मैक्सिमम ऑफ 100%। सही है। फॉर एग्जांपल जो है वो मैंने किसी कीवर्ड के ऊपर जो है वो जो बिड की हुई थी वो $1 की हुई थी। सही है। तो वो क्या कहता है कि जहां पर जरूरत पड़ेगी उस बिड को अप करने की, सही है, कि मतलब अप करके जो है उसको जीता जा सके तो वो आपको अप भी कर देगा। सही है। और जिसको जो है वो अगर जहां पर जरूरत पड़ेगी बिड को डाउन करने की, तो अमेज़न का जो सिस्टम है वो आपके लिए डाउन भी करेगा। सही है। अब समझ लग रही है यहाँ पर अप एंड डाउन में क्या फर्क होगा, मीन्स जहाँ पर जरूरत होगी वो अप भी की जाएगी और डाउन भी की जाएगी। सही है। अच्छा, अप की जाएगी तो फॉर एग्जाम्पल कितने परसेंट, कितनी अप की जाएगी, तो वो ये आपको ये बता रहा है कि 100% तक अप की जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने अगर किसी भी कीवर्ड के ऊपर $1 बिड सेट की थी और ऑप्शन के अंदर मुझे इनरोल कर दिया गया, बट जो है वो उस कीवर्ड की जो विनर था, सही है, वो था $2 वाला। सही है। तो मेरी जो बिड है वो उसका अगर 1% का 100% और करें तो वो 1+1 $2 होगा। सही है। तो $2 भी मेरी जो है वो, अगर मीन्स के मैंने $1 जो है वो सेट की हुई है बिड, सही, तो वो मेरी जो है वो $1 से ऑटोमेटिकली इंक्रीज करके वो $2 तक भी ले जा सकते हैं। सही है, बिकॉज यहाँ पर आ रहा है कि मैक्सिमम 100%। सही है जी। यहाँ तक समझ लगी इसकी, ये डायनामिक स्टैंड फॉर एक्चुएटर की बिट्स, अप एंड डाउन का मतलब क्या होगा कि वो अप भी होगी और डाउन भी होगी ऑटोमेटिकली, और कितनी अप एंड डाउन की वो 100% तक जो है वो अप एंड डाउन हो सकती है। तो ये अच्छा, देन फिर उसके बाद आता है कि फिक्स्ड बिट्स, फिक्स्ड स्टैंड फॉर फिक्स्ड, एक कांस्टेंट वैल्यू, सही है, जो कि चेंज नहीं होगी। सही है। और इसके अंदर जो है वो क्या होगा, वी विल यूज योर एग्जैक्ट बिड एंड एनी मैनुअल एडजस्टमेंट यू सेट एंड डोंट चेंज योर बिड्स बेस्ड ऑन लाइक कुडोफा सेल्स, कि मींस के जो है वो आपने कह दिया कि जनाब ये एक कीवर्ड इसके ऊपर मैं $3 दूंगा आपको। सही है। और ऑक्शन के अंदर जब बाकी सारे जो है वो ऑफर कर रहे थे $1 या $2 ऑफर कर रहे थे, तो अमेजोन अब आपको बेसिकली वो जो है वो $3 से नीचे 2.1 के ऊपर 2.3 के ऊपर नहीं लेके आएगा। सही है। वो सिंपली जो है वो बस यही करेगा कि जी आपकी $3 थी, आपने $3 आपको इसके ऊपर जो है आपने बिडिंग की, और वो सिंपली आपको जो है वो $3 चार्ज करके सिंपली जो है वो आपके ऊपर कस्टमर को क्या करेगा, लैंड करवा देगा। तो ये अगर क्लिक करते तो वो आपसे जो है वो उसका जो है वो डिटेक्ट कर दिया जाएगा। सही है। ये एक जो है वो कैंपेन की बिडिंग की जो है वो स्ट्रेटेजी होती है। सही है। तीन टाइप्स की, डायनामिक डाउन ओनली, डायनामिक अप एंड डाउन, एंड फिक्स्ड बिड्स। सही है। आई होप ये सबको समझ लगी होगी इस चीज की। तो ये एंड देन जो है वो अगेन इसका एक नेक्स्ट पोर्शन आता होता है। सही है। जिसके अंदर जो है वो आप बेसिकली अब जो है वो मेन चीज आती है कि ये एक जो है वो एड ग्रुप नेम होता है। आप अपने जो है वो अब यूं समझ ले के अपने एक जो है वो इंफॉर्मेशन के लिए उसको एड ग्रुप करने देते हैं ताकि आपको पता चले कि ये कौन सा चल रहा है। सही है। एंड यहाँ पर जो है वो आप आएंगे नीचे प्रोडक्ट्स की लिस्ट। सही है। आप जो है वो इस प्रोडक्ट को जो है वो बेसिकली सर्च कर सकते हैं बाय एसन एसकेयू एंड सो ऑन बाकी से। सही है। और उसकी जो है वो लिस्ट भी कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप अपलोड भी कर सकते हैं। सही है। तो वंस जो है वो आपने क्या किया, आपने जो है वो प्रोडक्ट जो है वो सिलेक्ट कर ली। सही है। एंड देन उसके बाद आता है कि जी लें जी ऑटोमेटिक टारगेटिंग के अंदर जो है वो अब आपके पास आ जाएगा कि इसकी जो है वो बिडिंग आप वो सेट करें, एक्चुअली आप जो है बिड करना कितनी चाह रहे हैं। सही है। तो अब ये कहता है कि $0.75 फॉर ईच कीवर्ड। सही है। तो मैं यहाँ पर 0.75 कर दूंगा, जितने भी जो है वो अमेजोन जो है वो हर कीवर्ड के ऊपर 0.75 अप्लाई करके। सही है। और 0.75 है तो इसका मतलब 100% क्या होगा, 0.75 + 0.75 तो $1.5। सही है। तो अब जो है वो मुझे मैक्सिमम जो एक कीवर्ड है वो $1.5 तक भी मुझे चार्ज कर सकता है। सही है। और ये जो है वो इसका बेट सिस्टम है। सही है। अगर आप जो है वो सेट बिट्स बाय टारगेटिंग ग्रुप, आप ग्रुप को जो है वो करना चाहते हैं तो ये भी आप इस तरीके से करेंगे। सही है। अच्छा, ये जो है वो ये तो दोनों चीजें होती हैं, ये ऑप्शन होती हैं। सही है। और इसको जो है वो आप जब आप ये पीपीसी की जो कैंपेन है वो क्रिएट कर रहे होते हैं उस वक्त जो है वो आप इसको नहीं वो करते। सही है। ये जो बाद में जब आप जो है वो आप बाद जब आपने देखा कि जो है वो एक है कि एक कीवर्ड है बेसिकली वो जो है वो जस्ट आपके ऊपर आप उसके क्लिक सी लिए जा रहे हैं लेकिन वो जो है वो सेल्स में कन्वर्ट नहीं हो रहा। सही है। तो उस वक्त फिर हम क्या करते हैं कि वो कीवर्ड जो है वो नेगेटिव के अंदर उठा के क्या कर देते हैं, हम जो है वो उसको डाल देते हैं। सही है। तो नेगेटिव से
नेगेटिव में उठा के डालने का जो है वो क्या होता है कि मींस जी बिड जो है वो यही होती है बोली लगाना। अच्छा अब आपने क्या किया, आपने देखा कि जनाब एक कीवर्ड है वो जस्ट उसके ऊपर आपको क्लिक से आ जा रहे हैं बट जो है वो इसके वो सेल्स में कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो फिर आप क्या करते हैं आप उसको उठा के नेगेटिव में डाल देते हैं। नेगेटिव स्टैंड फॉर क्या होता है कि इससे पता चलता है अमेजोन को ये जो कीवर्ड है वो आपसे रेलिवेंट नहीं है, सही है, इसके ऊपर जो है वो आपका प्रोडक्ट जो है वो शो नहीं करवाना। जब आप उसके ऊपर जो है वो आप नेगेटिव जो है डालेंगे सही है वो आपके ऐड कीवर्ड करेंगे तो वो इधर आ जाएगा सही है। देन आती है उसकी मैच टाइप, अब नेगेटिव एग्जैक्ट या नेगेटिव फ्रेज। अब एग्जैक्ट और फ्रेज के अंदर क्या फर्क होता है मैंने आपको ऑलरेडी जो है बता रखा है। एग्जैक्ट स्टैंड फॉर क्या होगा एस या ई एस के डिफरेंस के साथ वो एग्जैक्ट वर्ड सही है, जिस तरीके से अभी हमने ये जो है वो ये टाइप किया होगा गार्लिक प्रेस या गार्लिक प्रेसिस जो है अगर हम टाइप कर लेते हैं तो ये आपका बेसिकली आता है एग्जैक्ट के अंदर सही है। और अगर हम जो है वो इसका जो है वो फ्रेज निकालें तो गार्लिक प्रेस स्टेनलेस स्टील ये इसका क्या बनेगा फ्रेज बन जाएगा सही है। तो अब जो है वो अब आप यहाँ पर जो है वो अमेजोन आपसे पूछ रहा होता है कि अच्छा जो है वो ये जो कीवर्ड है नेगेटिव तरीके से जो है वो गार्लिक प्रेस या गार्लिक प्रेसेस ये दोनों इसी जस्ट इसी के ऊपर जो है आपको शो नहीं करवाना या तो इससे कोई और भी थोड़े बहुत जो रेलिवेंट कीवर्ड जो इससे मिलते जुलते बनते हैं सही है उसके ऊपर भी शो नहीं करवाना, तो फिर आप जो है वो यहाँ पर उसको उसके टाइप सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर जो है वो आप नेगेटिव फ्रेज सेलेक्ट करेंगे तो उस फ्रेज को जो है वो तोड़ के जो इसके कॉम्बिनेशन बनेंगे सही है तो उसके ऊपर भी जो है अमेजोन आपको शो नहीं करवाएगा। और अगर जो है वो आपने जस्ट एग्जैक्ट उसकी सिलेक्ट की है तो एग्जैक्टली उसी वर्ड के ऊपर अगर जो है अमेजोन आपको कीवर्ड के ऊपर आपको शो करवा रहा था तो वहां पर जो है वो आपको शो करवाना क्या करेगा कर देगा। ठीक है जी, ये है बेसिकली आपकी पीपीसी कैंपेन सही है, ये क्रिएट की जाती है। एंड सेम अगेन इस तरीके से नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग सही है कि अगर आप समझ रहे हैं कि कोई भी जो प्रोडक्ट है वो उसके उसका जो डिटेल पेज जिस तरीके से हम ये देख रहे थे कि जो है वो इस डिटेल पेज के अमेजोन इस डिटेल पेज के ऊपर जो है वो आपकी प्रोडक्ट को जो है वो इस प्रोडक्ट की जो है डिटेल पेज के ऊपर जो है वो अमेजोन आपको शो करवा रहा है यहाँ पर सही है। और आप ये देखें जैसे ये है सही है, बट ये है कि आप समझ रहे हैं कि जैसे जब जब भी आप इस एसन के ऊपर जो है वो शो हुए हैं सही है आपको क्लिक्स ही आए हैं जस्ट सिंपल वगैरह कोई नहीं आई तो फिर इस वजह से फिर आप क्या करते हैं फिर आप उठा के इसको क्या कर देते हैं इस प्रोडक्ट को जो है वो नेगेटिव प्रोडक्ट की टारगेटिंग में डाल देते हैं कि मतलब आपने जो है वो क्या करना है मेरे जो प्रोडक्ट है उसका जो है वो जो मेरा प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट की डिटेल पेज के ऊपर शो नहीं करवाना बिकॉज उसके ऊपर से जो है वो कस्टमर मुझसे परचेज नहीं करते। इसका एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि जब मतलब आपकी प्राइस जो है वो मार्केट की कंपेटिटिव प्राइस हो, जिस तरीके से ये है आप देखें इसकी प्राइस है 10.97 और इसके पास जो है वो 8,000-9,000 रिव्यूज हैं ऑलमोस्ट सही है और इसकी प्राइस भी 10.9 है लेकिन इसके पास 693 जो है वो रिव्यूज है। तो अब आप खुद एक अब आप जब अपने आप को इन फ्रंट ऑफ शू कस्टमर शू पुट करें सही और फिर अब आप देखेंगे एनालाइज करें आप किसके ऊपर ज्यादा जो है वो एतबार करेंगे डेफिनेटली जो है वो इसके साथ जाना पसंद करेंगे सही है। अब कुछ लोग होंगे वो मजे लेने के लिए जस्ट इसको जो है वो क्लिक जरूर कर देंगे सही है इसके ऊपर और जो है वो ये क्लिक हो जाएगा और जब ये क्लिक हो जाएगा तो अमेजोन ने तो अपने पैसे लेने वो इसको पैसे लेके साइड पे पारी कर देगा सही है, बट ये होगा कि इसके ऊपर सेल्स नहीं आएंगे ठीक है। तो फिर जब इस तरीके का काम चल रहा होता है तो फिर आपको जो है वो उधर अमेजोन की पीपीसी रिपोर्ट के अंदर जो है वो एसन भी शो हो रहा था कि इस एसन के जो है ऊपर आपकी प्रोडक्ट को जो है वो शो करवाया गया हुआ है और इतने जो है वो उसके अंदर आप वो आपको बता रहा था कि इतने इंप्रेशन आए इतने क्लिक्स आए हैं सही है इसके ऊपर। तो आपने देखा कि इंप्रेशन और क्लिक्स ही बस जो है वाई जा रहे हैं और सेल्स में कन्वर्ट नहीं हो रहे कस्टमर सही है। अब जिस तरीके से ये है कि मैंने इसकी प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर जाके देखी ठीक है और ये भी सेम उसी प्राइस के ऊपर दे रहा है सही है जिस प्राइस के ऊपर जो है वो ये मुझे दे रहा है बट इसके पास जो रिव्यूज हैं सही है वो हैं 693 जो है इसके पास रिव्यूज और इसकी जो रेटिंग्स है वो भी बेसिकली 4.7 चले अच्छी रेटिंग है सही है इसकी। और ये जो इमेजेस वगैरह हैं सही है ये किसी वजह से जो है वो कस्टमर को जो है वो कन्वे नहीं कर पाई या व्हाट्सएप जो भी ये कस्टमर ने जो है वो
इस प्रोडक्ट से अपने आपको कंफर्टेबल फील नहीं किया तो देन डेफिनेटली फिर वो डाइवर्ट होगा दोबारा अपनी उसी ओरिजिनल प्रोडक्ट के ऊपर, और क्या करेगा इसी के साथ क्या करेगा वो शॉप क्या अपनी कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, अच्छा फिर इसने ये और भी स्ट्रेटेजी चलाई है कि लिस्ट प्राइस 14.87 और अभी इतने में शो कर रहा है कि लगता ये है कि ये महंगी थी अभी सस्ती हुई है, सही है, तो इससे पहले कि दोबारा महंगी हो जाए इसको जो है वो परचेज कर लेना चाहिए एज पर बायर साइकोलॉजी। ठीक है, तो वो फाइनली क्या हुआ इस प्रोडक्ट के साथ जो है वो क्या हुआ जो है वो एड टू कार्ट में होकर जो है सिंपल उसने परचेज कर ली। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो क्लिक आया था वो फारिग गया, ऐसा ही सही है। अब जो है वो मे बी यहाँ पर इसकी जो प्राइस है वो बेसिकली इससे बड़ी कम होती है, जिस तरीके से ये 10.99 में बेच रहा है, अगर ये 7.99 में होता ठीक है देन कस्टमर देखता कि यस $3 का डिफरेंस आ रहा है, चीज भी दोनों की सेम है, चले कोई नहीं इसको जो है वो ट्राई कर लिया जाता है। तो उस केस में होता है कि जो है वो आप इस तरीके के जो एसन है उनको आप टारगेट कर सकते हैं, बट ये है कि जब आप जहाँ पर आप देखें कि आप जो है वो बल्कि ये सस्ती बेच रहे हैं वो 10.99 महंगी बेच रहे हैं, आप जो है लोगों से चीज़ भी महंगी बेच रहे हैं और आपके पास रिव्यूज भी नहीं है, तो फिर आप जो इतने इस टाइप के जो बड़े सेलर होते हैं सही जिनकी लिस्टिंग्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रिव्यूज होते हैं सही है, तो आप फिर उनमें जो है वो उनके जो एसेंस होते हैं उनको आप क्या कर देते हैं इधर उठा के नेगेटिव में जो है वो डाल देते हैं, ताकि इनकी जो है वो क्योंकि पता होता है कि हमें जो है वो यहाँ से जो कस्टमर आएगा उसने परचेज तो करनी नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है वो एक बड़ी जो है वो सेटिस्फाइड चीज़ जो है वो देख चुका है जिसकी एक हिस्ट्री भी है, अगर वो हमारे पास आगे देखे अभी से हमने प्राइस भी जो है वो ज़्यादा ऑफर की हुई है तो वो नहीं हमें जो है वो हो पाएगा कन्वे और नहीं हमारे पास आ पाएगा, तो इस पर यही होता है कि फिर हम जो है वो उसको फिर इस तरीके की प्रोडक्ट्स को उठा के नेगेटिव में डाल देते हैं और इसके ऊपर जो वो अपने ऐड चला के अपने पैसे ज़्यादा नहीं करते हैं। सर ये कोई ऐप ओपन की हुई है आपने ये अमेज़न एडवर्टाइजिंग की? नहीं, अमेज़न का सेलर सेंट्रल है, उसने क्या किया अमेज़न वालों ने ना ये आपका जो है ना ये वाला हिसाब किताब ये सारा उठा के ना एक जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन मैनेजर को जो एक लेदर से जो है वो उसमें शिफ्ट कर दिया होगा, तो ये है। ठीक सर जी जी किसी का कोई क्वेश्चन? सर आपकी नजर में कौन सी कंपनी ज्यादा अच्छी है, ऑटोमेटिक या मैनुअल? कैंपेन चलाने का बेसिकली तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप क्या करते हैं कि जी ये जो है वो आप आई थिंक ऑटोमेटिक कैंपेन स्टार्ट में बेहतर है, उसके बाद उसके रिजल्ट देख के उसमें से जो जो तो नेगेटिव में डाल दिया जाए। अच्छा इसमें यूँ होता है कि अगर तो आप बड़े कॉन्फिडेंट हैं ठीक है, अब जिस तरीके से जो है वो हम लोग जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ब्रांड एनालिटिक्स निकलवा लेते हैं सही है इसका। ब्रांड एनालिटिक्स के अंदर क्या होता है कि एग्जैक्टली पता चल जाता है कि किस कीवर्ड से जो कौन सा जो सेलर है वो किस कीवर्ड से जो है वो सेल ले रहा है, तो उसमें जो है वो मैं करता हूँ कि दोनों कैंपेन जो है लॉन्च कर देता हूँ, एक ऑटोमेटिक जो कि खुद से एक न्यू कीवर्ड ड्राइव कर रही होती है सही है, और साथ में जो है वो एक मैनुअल भी ताकि जो हमें जो है वो उस कीवर्ड्स के ऊपर जो है वो हमें शो करवा के जो है वो जो है वो रैंकिंग में हेल्प कर रही होती है। बट एक जो बंदा न्यू है बिल्कुल सही है जिसने स्क्रैच से स्टार्ट लेना उसको पता नहीं है किसी भी चीज़ का, तो उसके उसके लिए ये रिकमेंडेड होता है कि वो पहले जो है वो ऑटोमेटिक कैंपेन क्रिएट करे सही है, एंड उसके दौरान जो है वो ऑटोमेटिक कैंपेन बल्कि मल्टीपल ऑटोमेटिक कैंपेन क्रिएट करते हैं $10-$12 के बजट के साथ सही है, तो उस केस में फिर क्या होगा कि वो मशीन लर्निंग हो रही होगी या वो वहाँ पे वहाँ से जो है वो डाटा चेक करे कि कौन से कीवर्ड्स जो हैं वो मेरी प्रोडक्ट से रेलिवेंट है और कौन से कीवर्ड मेरी प्रोडक्ट से रेलिवेंट नहीं है सही है, तो जब वो जो है वो मीन्स के वो कर लेगा जब उसको जो है वो इस बात का अब जो है वो आइडिया हो गया होगा कि अच्छा ये जो कीवर्ड है ये बेसिकली जो है वो मेरी प्रोडक्ट है उससे रेलिवेंट है ठीक है, तो अब मतलब कि सामने एक कॉस्ट भी उसको सामने नजर आ रहा होगा तो वो एक कॉस्ट को देखते हुए फिर आप उसको पता चल गया कि यस ये जो कीवर्ड है ये जो है वो
मेरी प्रोडक्ट से रेलिवेंट है ये, और इसके ऊपर जब जब भी जो है वो कस्टमर मुझे शो करवाया गया हुआ है तो मुझे सेल आई है, सही है। तो उससे जो है वो फिर ये होता है कि आप उन कीवर्ड्स को लेके अगेन फिर एक और मैनुअल। अच्छा जी, अब जो है वो इसके बाद क्या होगा हमारे पास, हमने जो है वो फॉर एग्जांपल एक जो है वो हमने एक जो है वो थी ऑटोमेटिक कैंपेन जो है वो बेसिकली वो हमने रन की हुई थी, ठीक है। और उसके जो है वो हमारे पास एक कुछ टाइम पीरियड गुजरने के बाद हमारे पास उसके जो है वो ये डाटा आ गया, सही है। ये वो इसी कैंपेन का जो है वो सर्च टर्म रिपोर्ट्स का जो है वो डाटा वो डाउनलोड किया हुआ है इस वक्त आपके सामने, सही है। तो इसको जो है वो फिर अभी हम एनालाइज कर लेते हैं कि इसमें से क्या हमारे काम का है और क्या हमारे काम का नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, स्पेंड के ऊपर जो है एक फिल्टर लगा देता हूँ कि मीन्स के जो है वो मुझे बताए कि जो है वो इसकी जो वैल्यू जो है वो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दे, ठीक है। तो इसने मुझे जो है वो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दी। अब इसके पीछे जो भी कीवर्ड है, इसके पीछे जो है वो इसके पीछे वाली फील्ड में जो है वो कीवर्ड नजर आ रहा है, तो उसने मुझे कहा कि ये इसका CTR है, सही है। मीन्स के जो है वो क्लिक थ्रू रेट ये है कि मीन्स के इतने परसेंट जो है वो लोग इसके ऊपर रुकते हैं और इतने परसेंट भाग जाते हैं, मतलब 45% जो है वो 0.45% इसका CTR है, मीन्स के लोग इसके ऊपर ठहरते जरूर है, इट्स मीन्स के ये पॉजिटिव साइन है। कॉस्ट पर क्लिक किया मुझे $1.72 आ रही है, मैंने $37 इसके ऊपर स्पेंड किया और $107 की जो है वो सेल लेके और 35% के साथ जो है वो इसका एक कॉस्ट है, मीन्स के जो है वो एक अच्छा जो है वो कीवर्ड है मेरे लिए जो कि सेल्स जो है वो ड्राइव कर रहा। तो इसका मतलब ये होगा कि अब मुझे ये कंफर्म हो गया कि इसके ऊपर जो है वो 4000 इंप्रेशन में से 4000 लोगों में से 5000 लोगों में से 22 लोगों ने क्लिक किया, देन इट्स गुड, ठीक है। तो मुझे जो है वो इसके ऊपर इस कीवर्ड के ऊपर जो अपनी प्रोडक्ट को जो है वो शो करवाते रहना चाहिए, ठीक है। तो मैं फिर क्या करूँगा जो है वो इसको उठा के एक साइड पर जो है वो शॉर्टलिस्ट कर दूंगा, ठीक है। और एंड देन सेम अगेन फिर आया उसके बाद जो है वो दूसरा जो बड़ा जो है वो है वो ये है, ठीक है। और इसमें जो है वो 622 में से जो है वो 5 अभी देखें 622 लोगों को ओनली शो होगा, उसमें से 5 ने क्लिक कर लिए, सेम मीन्स इसका CTR उससे भी ज़रा बेहतर है, ठीक है। और इसके ऊपर जो है वो मुझे $2.5 जो है वो पर क्लिक के ऊपर कॉस्ट पड़ी है, सही है। और बट जो है वो मैंने $12 स्पेंड किए और मुझे यहाँ से एक सेल आई है, ठीक है। तो ये जो है वो ये 73% इसका एक और से मीन्स ये जो है वो इससे थोड़ा सा ये बेहतर, इससे जो है वो थोड़ा सा पीछे आइए। एंड देन सेम अगेन 1000 लोगों में से जो है वो 13 लोगों ने जो है वो इसके ऊपर क्लिक किया है, ठीक है। एंड 1.29 इसका CTR मीन्स की क्लिक थ्रू रेट इसका अच्छा है, ठीक है। और 0.93 यस दिस इज द बेस्ट कीवर्ड सो एवर, सही है। और $12 ओनली स्पेंड करके $81 जो है वो हमने इसकी जो है वो सेल्स ले ली है यहाँ से, और 14% जो है वो इसका एक कॉस्ट है जो कि बहुत अच्छी एक कॉस्ट मानी जाती है। अंडर 15 अगर आपकी एक कॉस्ट है तो मीन्स आप इसके एक स्क्रीन शॉट जो है गौरव के ग्रुप में लगा दें, फिर आप देखें जो है वो पागल हुए आपके पीछे वो, सही है। ओनली जो है वो हमने $12 स्पेंड करके तो 6 ऑर्डर जो है वो उससे जनरेट कर लिए हुए हैं, तो ये एक अच्छी जो है वो चीज़ है, ठीक है। तो फिर मैं अब क्या करूँगा कि यस ये एक बड़ा ज़बरदस्त कीवर्ड मुझे जो है वो मिल गया हुआ है, मैं इसको उठा के जो है वो क्या करूँगा अपनी एक मैनुअल कैंपेन के लिए इसको भी शॉर्टलिस्ट कर दूंगा, एंड सो ऑन सब इस तरीके से। अब ये आपके पास जो है वो एक पूरी लिस्ट आ चुकी हुई है, सही। उसको अब आप जो है वो करते जाएंगे, सही है। इस तरीके से जो है वो इनको देखते जाएंगे, सही है। और ये इसका जो है वो एनालाइजेशन इस PPC कैंपेन को जो रिपोर्ट होगी इसको एनालाइज करने का सबसे बेस्ट तरीके का यही है कि आप जो है वो स्पेंड के ऊपर फिल्टर लगा के जो भी आपके ऊपर जो है वो जो स्पेंड हो रहे हैं, अब इस तरीके से ये देखें $8 $5.97। अब 34 लोगों में से 3 लोगों ने क्लिक किया इसके ऊपर, सही है। और 8.82 जो है वो CTR था इसका, सही है। और $6 जो है वो ये उड़ा गया, बट इसके इसने कोई सेल नहीं दी तो इसको उड़ा के इसको आप जो है नेगेटिव में डाल देंगे, ये चीज़ आपसे रेलिवेंट नहीं है। एंड अगेन इस तरीके से $5.1 इसने ले लिया आपके, सही है। 6 लोगों में से 2 ने जो है वो क्लिक किया और 33% जो है वो इसका CTR रेट है, सही है। और अगेन जो है वो इसने भी आपको कोई सेल नहीं दी तो इसको भी जो है उठा के नेगेटिव में डाल दें। देन आता है आपके पास ये 367 क्लिक साइज, सही है। और ये देखें $4.72 जो है इसके ऊपर स्पेंड हुए, एंड आपके पास जो है वो $42 की जो है इसने आपको सेल दे दी है, 10% इसका जो है एक कॉस्ट है, तो मीन्स की अच्छा एक कॉस्ट है। इसने आपको जो है वो 3 ऑर्डर दिए जस्ट जो है वो $4.49 जो है वो आपको कॉस्ट करके, सही है। तो ये एक अच्छा कीवर्ड अगेन, इसको जो है वो मैं शॉर्ट लिस्ट कर दूंगा। देन आता है आपके पास ये जिस तरीके से ये वाला, सॉरी ये है, ये देखें जो है वो इसका कॉस्ट पर क्लिक भी बड़ा कम आ रहा है, 0.67 है, सही है। और जो है वो
मीन्स के जो है वो ये आपको कन्वर्ट भी अच्छा कर रहा है, तो मीन्स के ये बिल्कुल आपसे हाईली रेलिवेंट है, सही है, आप इसको जो है वो उठा के इसके अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं एंड सो ऑन। इस तरीके से ये जो है वो आपने जस्ट दो तीन मैट्रिक्स होते हैं, सही है, इसको आप अच्छी तरीके से स्टडी कर लें, सही है, इनको देखने के बाद, सही है, तो आप भी इनको वन बाय वन जो है वो लेके चलते जाए, डाटा को एनालाइज करते जाए और जो 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 है आपकी समझ में आ रहा है तो आप उसको जो है वो देखते जाए। जी हाँ जी, इस जो है वो जो इसके अंदर जो है अगर किसी को कोई है कोई क्वेश्चन है तो कम से कम मुझे बताएं जरा। सर आकाश की नहीं समझ आई सर, ये क्या है? तो अच्छा, एक कॉस्ट बेसिकली क्या होता है, ये होता है एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स के, मींस के जो है वो एक सेल को लाने के लिए आपको कितने परसेंट जो है वो आपको कितना पे करना पड़ा है, ठीक है। अब मींस के क्या हुआ कि इस केस में अगर जो है वो अब फॉर एग्जांपल मींस के अब हमारे पास ये हुआ कि जिस तरीके से ये है करंटली, ठीक है, इसने क्या किया हमारे अभी देखें $37 को जो है वो स्पेंड करके $107 जो है वो हमें सेल दे दी है। इसका मतलब ये है कि परसेंट की मतलब कितने परसेंट जो है वो सेल्स में से वो जो है वो इसकी कॉस्ट लग गई है इस एड को चलाने के लिए, तो वो आपका क्या होगा, सिंपली एक कॉस्ट होगा, ठीक है। अब अगर ये यहाँ पर ये जो इस आप इन दोनों सेवन को जो है वो ऊपर से उड़ा दें, सही है, तो ये तो ये 30 बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा 100, तो उस केस में जो है वो एक कॉस्ट आ गया आपके पास सामने, क्या बन जाएगी 30 बन जाएगी 30%। मीन्स क्या हुआ कि जो 30% इसका हिस्सा है, सही है, इस सेल का, सही है, वो कहाँ चला जाता है, वो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है आपकी, मीन्स के वो एडवर्टाइजिंग में लग जाता है इस प्रोडक्ट की, ठीक है, और बाकी वाला जो है वो क्या जाता है, वो आपको बच जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको कोई कहे कि जो है वो 73% एक कॉस्ट है, इसका मतलब आप ये समझेंगे कि $100 की सेल आई है और उसमें से $73 जो है वो आपको उसके ऊपर एड के ऊपर लगाने पड़ गए हैं, बाकी आपको पीछे क्या बचेंगे, आपको बचेंगे ये $27 जो है। $27 सर, ठीक हो गया। हाँ जी, तो ये तो ये इसका जो है वो ये तो, और ये परसेंटेज के अंदर होती है आपके पास जी। सर ये कॉस्ट और कॉस्ट पर क्लिक पे सर जो हमारा एक्सपेंसेस आ रहे हैं, तो हर क्लिक का डिफरेंट होता है सर, हर कीवर्ड के ऊपर हर इसका डिफरेंट होता है। ये देखिए आप यहाँ पर जो है वही आपके पास आ रहा है, सही है, कि हर क्लिक का जो है वो डिफरेंट होता है। ये जो हमने बिडिंग अभी देखी थी ना, तो वो यही होती है कि जिस जिस कीवर्ड के ऊपर ज्यादा कंपटीशन होता है तो आपकी जो है वो आपको कॉस्ट भी आई होती है, और जिसके ऊपर जो है वो कम होता है कंपटीशन तो आपकी जो बिड देते वो लोग। और ये जो 37.89 डॉलर बता रहा है, एंड ये टोटल 22 क्लिक्स पर आया है सर। जी, ये जो है वो कितने क्लिक्स हैं आपके पास, 22 क्लिक्स हैं, इसको मल्टीप्लाई करा दो 1.72 से, तो ये 37.8 इतना आ जाएगा आपके पास। जी सर, ठीक है, सर एक और जितनी जो है कम होगी उतना ज्यादा फायदा होगा, ऐसे ही है ना सर? जी बिल्कुल, एग्जैक्टली जितनी इसकी परसेंटेज जितनी कम होगी वो उतना आपको फायदा होगा। अब आप इन दोनों के एग्जांपल ले लें, इसके मुताबिक ये है कि आपने $100 की सेल के लिए $73 खर्च किए, इसके लिए आपने $100 की सेल के $35 खर्च किए, तो
तो इसके लिए आपने 100 डॉलर के सेल के लिए $14 खर्च किया, तो इसका मतलब क्या होगा कि इन दोनों के दरमियान, इन तीनों के दरमियान जो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, 14 वाला हुआ ना, जिसमें मतलब लग कम रहे हैं और एड जो है वो ज्यादा, वो जो है वो सेल ज्यादा आ रही है। सर इसमें जो कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं, एवरी कीवर्ड डिफाइन स्पेसिफिक प्रोडक्ट? नहीं नहीं ये इससे मिलते जुलते कीवर्ड है, रेलिवेंट कीवर्ड है। I mean, एक ही प्रोडक्ट्स के सारे कीवर्ड्स? जी सर, ये फिर कैसे मतलब शो होगा? एक ही प्रोडक्ट होगी तो वो एक ही दफा शो होगी ना, तो डिफरेंट टाइम डिफरेंट कीवर्ड्स शो नहीं होंगे? पावला भाई इसके साथ लेफ्ट साइड पे कीवर्ड्स का टैब है जो हमें शो नहीं हो रहा, ये देखें ऊपर जे से आगे जो है ना, जितने हमें वो शो हो रहे हैं, इससे पहले ए बी सी डी ई एफ, उसमें सारे कीवर्ड्स हैं जो हमें सर आवाज नहीं आ रही आपकी। जुल्कार भाई आपकी आवाज थोड़ी नहीं आई। जी अब बोले। जी सर मैं ये पूछ रहा था सर, जो यहाँ पे हमने कीवर्ड्स पे डिफरेंट कैलकुलेशंस की हैं, एक ये देखें, ये ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब एक प्रोडक्ट का जो है वो एक ही रेलिवेंट कीवर्ड हो। इसकी एग्जांपल मैं आपको ये देता हूँ, ये जो है वो गार्लिक प्रेस है, ठीक है। एक्चुअली सर वो स्टार्ट वाला जो शो नहीं हो रहा ना, कीवर्ड्स वाली जो लिस्ट है, जस्ट उसके रिजल्ट शो हो रहे हैं, इस वजह से ये कंफ्यूज हो रहे हैं। इन्हें काट लिए पता है कि इससे लेफ्ट साइड पे एक पूरा टैब है जिसमें सारे कीवर्ड्स हैं। और जी बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब कि जो है वो ये देखें, ये आप इस वक्त जो है वो ये कर्सर है इस पर स्क्रीन का, तो ये देखें इधर आया हुआ है, ठीक है। इसको पीछे लेके जाएंगे तो आपके पास एक इसका जो वेरी नेक्स्ट जो है इसका कॉलम है, उसके अंदर सारे कीवर्ड हैं, सही है। इसके फिर उस कीवर्ड के अगेंस्ट फिर जो है इस तरीके से आपको ये डाटा चल रहा है, सही है। फिर इस तरीके से आप इसको जो है वो हर कीवर्ड के डाटा मैंने उसको एनालाइज कर रहे हैं आगे इस तरीके से, सही है। इसके अंदर सब चीज़ें आ रही हैं, वो एसेंस भी आ रहे हैं, सही, जिसके ऊपर इसने टारगेट किया तो वो जो है वो इंप्रेशन लेके जो है वो उसने सेल्स नहीं दी, सही है। और बाकी सॉन इस तरीके से ये सब चल रहा है। तो इसमें यूँ होता है कि कीवर्ड कोई भी प्रोडक्ट हो उसका कोई एक रेलिवेंट कीवर्ड नहीं होता होता। अब जिस तरीके से देखें, गार्लिक प्रेस ऑक्सो, गार्लिक प्रेस स्टेनलेस स्टील आपके सामने, ये देखें ज़रा। अच्छा उसके बाद क्या आ रहा है, गार्लिक प्रेस क्रशर आ रहा है, सही है। कुछ लोग इसको ये भी बोलते हैं, और कितने लोग बोलते हैं, 2000 लोग इसको ये टाइप करते हैं। स्टील गार्लिक प्रेस, सही है, ये भी लोग टाइप करते हैं। स्ट्रॉन्ग गार्लिक प्रेस, ये भी लोग टाइप जो है वो लोग टाइप करते हैं।
ठीक है। अच्छा उसके बाद आ जाए जी, तो ये जो है वो जोसिफ जोसिफ जो है वो गार्लिक रोकर सही है, ये भी लोग 140 लोग जो है वो ये टाइप करते हैं इस डाटा के अकॉर्डिंग सही है। अच्छा उसके बाद क्या आ गया जी, ये पोटैटो राइसर आ रहा है, ये गार्लिक प्रेस जिससे भी गार्लिक रोकर प्रेस आ रहा है सही है, गार्लिक प्रेस रोकर जो है वो ये। तो मीन्स क्या हुआ कि ये कोई एक जरूरी नहीं है कि जो है वो एक गार्लिक प्रेस है सही है, हम इसको ये कॉल कर रहे हैं तो हर बंदा जो है वो इसको गार्लिक प्रेस ही कॉल करेगा सही है। वो कितने लोग क्या क्या लोग इसको जो है वो क्या क्या टाइप करते हैं वो सामने ये देखें, आपके सामने जो है वो सारा डाटा नजर आ रहा है सही है, इवन कि वो आपको ये इसकी हिस्ट्री भी शो करवा रहा है कि किस तरीके से जो है वो ये देखें कंसिस्टेंट है ये, कितने जी लोग सर, इसको। ओके ओके है सर, क्लियर है, तो क्लियर हो गया, इसके लिए जो है थैंक वो यू। ये होता है कि यहाँ पर एक्चुअली जो है वो आप किस तरीके से फर्दर कीवर्ड्स की जो है वो लिस्ट आ रही है इसके पीछे, तो फिर जी हमें सर वहां से आइडेंटिफाई हो रहा है कि अच्छा ये वाला कीवर्ड इससे रेलिवेंट है, ये कीवर्ड इससे रेलिवेंट है। ठीक हो गया। जी और कोई सर, ये हर एक कीवर्ड के साथ हम देखते हैं कि अमेज़न चॉइस लिखा हुआ होता है, तो सर ये क्या अमेज़न इसके साथ मीटू करके लगा होता है या कि इसको अपना ब्रांड होता है वो? ये किसी को अमेजोन चॉइस का पता था वो एक्सप्लेन कर दे, वरना अगर नहीं पता मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। चीज क्या पूछा, क्वेश्चन क्या था? इनको ये बता दें कि अमेज़न जिस कीवर्ड के ऊपर अमेजोन चॉइस का बैज होता है उसको क्या मतलब होता है। भैया आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा मुझे 2 मिनट दें जरा, मैं आपको खुद बता देता हूँ। आवाज नहीं आ रही मेरे पास। लॉक ना लगाया था मीटिंग का, यदि लॉक नहीं है कंप्यूटर 13 ना। Since means one skill in art of communication, means one skill in the art of healing. For men, the physical definition should be knowledge and skill. अच्छा इन्होंने पूछा है कि जो है वो अमेजोन चॉइस का बेसिकली क्या मकसद होता है, किसी कीवर्ड के साथ अमेजोन चॉइस नजर आ रहा है यहाँ पर आपको और किसी के साथ जो है वो चॉइस नजर नहीं आ रहा सही है। तो इसका मकसद बेसिकली क्या है, यहाँ पर जो है वो ये पता चल रहा है यहाँ से कि अगर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे ठीक है ये देखें, तो ये इसमें से एक प्रोडक्ट ऐसी जरूर आएगी सही है जिसके ऊपर जो है अमेजोन चॉइस का बैज होगा। देखें जो है वो ये एक अमेजोन चॉइस का बैज है, वो क्या कह रहे हैं फॉर गार्लिक प्रेस ओक्सो के, इसका मतलब क्या बनता है, ये बेसिकली आपका जो शॉपर्स होते हैं ना उनको जो है वो ये हेल्प आउट करता है, जो भी परचेज करने वाले होते हैं ये बताता है कि जब भी कोई बंदा ये कीवर्ड टाइप करता है तो फिर वो मोस्टली जो लोग होते हैं वो बेसिकली ये चीज़ जो है वो ये खरीदते हैं। ठीक है, जब अमेजोन ने देखा कि सारे मोस्ट ऑफ द पीपल जो के जो है वो इस चीज़ को इस प्रोडक्ट इस कीवर्ड को टाइप करते हैं और इसी कोई जगह परचेज करते रहते हैं, तो फिर उसने क्या किया, उसने एज ए रिवॉर्ड में जो है वो आपको एक अमेजोन चॉइस का इस तरीके से बैच दे दिया। अब ये जो चॉइस होता है ये बेसिकली आपकी कन्वर्जन को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। अब ये देखें जो है वो ये एक प्रोडक्ट जो है वो आपको इन चारों में से एक अलग तलग ही लग रही है सही है, एक किस्म की सही है, तो वह फिर जी लोग सर, इसके ऊपर क्लिक जरूर करते हैं कि अच्छा ये है क्या चीज़ सही है। तो ये इन शॉर्ट ये कि अगर आप किसी कीवर्ड के ऊपर आपकी कन्वर्जन बड़ी ज़बरदस्त हो रही होती है ठीक है, तो उसके ऊपर जो है वो फिर अमेजोन चॉइस को जो है आपको बैच दे जाता है सही है सर एज ए ये आप यूं रिवॉर्ड। कह सकते हैं कि ये हमेशा टॉप रेटेड प्रोडक्ट्स को ही मिलता होगा? नहीं ये
एल्गोरिदम बेसिकली खुद ही डिफाइन कर रहे होते हैं जो किसी कीवर्ड के अगेंस्ट कन्वर्ट हो रहा था उसको दिया जाता है। अगर आज इसके पास है तो ये, और अमेजोन ने देखा कि इससे ज़्यादा जो है वो ये कीवर्ड, ये वाला जो प्रोडक्ट है वो कन्वर्ट हो रहा है इस प्रोडक्ट से ज़्यादा, तो वो फिर इससे लेके इसको दे दीजिएगा, तो ये फिर वैलिडेट वर्कशॉप चेंज होता रहता सर जी। ऐसे ही सर, हम क्या इसके कीवर्ड्स को अपने प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं? ये आप जिस तरीके से, ये देखो ऑक्सो जो है एक ब्रांड नेम है, तो इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। अदरवाइज अगर यहाँ से आप इसको ये हटा दें तो अब आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। अब गार्लिक पेस्ट एक जेनेरिक का कीवर्ड है, आप जेनेरिक कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, बट जो ब्रांडेड कीवर्ड होते हैं वो आप यूज़ नहीं कर सकते। सर इसके लिए परमिशन वगैरह देना पड़ती होगी क्योंकि वैसे परमिशन है ही नहीं हमें अमेज़न की तरफ से, किसी ब्रांड को हम नहीं यूज़ कर सकते। नहीं जी, आप ब्रांड को नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है सर जी। सर मेरी बात हुई यूके के सेलर है उनसे पहले दिन, तो वो मुझे बता रहे थे कि हम जो है ना एफपीएम कर रहे हैं वहीं से, वो चाइना से प्रोडक्ट मंगवाते हैं और वहीं से, और हमारा खुद का अपना वेयर हाउस है, और उस वेयर हाउस में हमें जो है अमेज़न ने प्राइम का लोगो भी अलाउ किया हुआ है, और हम जो है ना हम जितनी भी हमारी प्रोडक्ट्स हैं वो जितनी हम शिप करते हैं उसके ऊपर हमारा प्राइम का लोगो होता है। तो उसके लिए सर उनका क्या शिपिंग का कोई बेस्ट मेथड यूज करते होंगे कि इसलिए अमेज़न ने उनको प्राइम का लोगो अलाउ कर दिया? तो ये जो है वो पहले था कि मींस के जो है अमेज़न आपको बेसिकली अलाउ करता था, तो ये एक अमेज़न का प्रोग्राम था, उसके अंदर जो है वो आप जो है अमेज़न आपको अलाउ करता था कि आप अगर शिपिंग का मेथड जो है वो फास्ट है तो हम आपको प्राइम का लोगो दे देते हैं, बट मैंने सुना है कि आजकल वो प्रोग्राम जो है अमेज़न ने क्लोज कर दिया हुआ है, अमेज़न उसके लिए जो है और फर्दर जो है वो इनरोलमेंट नहीं रहा। आई थिंक वो फिर काफी ओल्ड है इस वजह से। हाँ ये है कि वो काफी ओल्ड होंगे तो इसलिए ऐसे जो है अमेज़न को। अच्छा ये जो मीन्स कोई भी ऐसा कीवर्ड्स है ये जिसके अंदर जो है वो मेन कीवर्ड बेसिकली वो कीवर्ड होता है जो कि सबसे ज़्यादा लोग टाइप कर रहे होते हैं, ठीक है, इसको हम मेन कीवर्ड का फैसला कब करते हैं? मीन्स के जो भी उस कीवर्ड जिसका सर्च वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होगा वो उसका क्या होगा, मेन कीवर्ड होगा। अगर हम इस केस में जो है वो यहाँ पर जो है वो इसको देखते हैं, अगर देखें गार्लिक प्रेस इसको देखते हैं इसके रिजल्ट क्या आ रहे हैं, ठीक है, गार्लिक प्रेस के रिजल्ट्स ये हैं, सही है, इस तरीके की प्रोडक्ट्स आ रही हैं। एंड देन जो है वो फिर हम देखते हैं कि गार्लिक क्रशर ये क्या है, तो गार्लिक क्रशर के ऊपर भी क्या है हमारे पास, ठीक है। अच्छा अब जो ये गार्लिक जो क्रशर है, अब आप देखें उसके ऊपर भी तकरीबन ऑलमोस्ट वही जो है वो प्रोडक्ट नजर आ रही है, सही है, तो इसके इसमें बेसिकली क्या है यहाँ पर आपके पास ये वाला जो है वो, क्योंकि इसका सर्च वॉल्यूम 19,000 है, ये इसका मेन कीवर्ड है, सही है, और ये इसका सेकेंडरी कीवर्ड है, और इस वक्त ये दोनों एक जेनेरिक कीवर्ड है। जेनेरिक कीवर्ड स्टैंड फॉर कि मतलब वो कीवर्ड, सही है, जो कि हर एक के लिए जो है वो अवेलेबल है यूज करने के लिए, सही है। अब जिस तरीके से फॉर एग्जाम्पल ये है ऑक्सो गुड ग्रिप्स, सही है, ये एक बेसिकली जेनेरिक कीवर्ड नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑक्सो का नेम आ गया, ऑक्सो एक ब्रांड नेम है, तो ये एक ब्रांडेड कीवर्ड बन गया होगा, ठीक है। तो ये होता है आपका मेन कीवर्ड, सही है, और जेनेरिक कीवर्ड भी है वही, सही है, और ये इसका क्या है समझ लें कि ब्रांडेड कीवर्ड और जेनेरिक कीवर्ड में ये फर्क होता है, ये समझ लग गई है सर? सॉरी सर नहीं समझ लगी, क्योंकि सर उसमें वो स्पॉन्सर्ड आ रहा था उसके साथ, तो ये यो भी तो हो सकता है वो अपनी एडवर्टाइज करके उसको कीवर्ड को जो रैंक करके बैठा सर। नहीं ये इसमें जो है वो स्पॉन्सर्ड और आ रहा है या नहीं आ रहा वो तो एक अलग सी बात है ना सर। सर्च वॉल्यूम जो होता है सर वो एग्जैक्ट ऑर्गेनिक हो तो सर बेस्ट रहता है या कि नहीं, तो आप यही देखें ना, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या होता है कि
अभी देखे गार्लिक प्रेस, गार्लिक प्रेस तो जो मीन्स के जो है वो जो लेसन को जो प्रेस करने वाला है भाई, वो तो एक लेसन को, अब पेंसिल को आप पेंसिल ही बोलेंगे ना, पेंसिल को तो कोई अपने पेंसिल को जो है वो कोई ट्रेडमार्क नहीं करवा सकता ना, कहते जी ये पेंसिल जो है वो मेरी कोई खास किस्म की पेंसिल है, इसको कोई और पेंसिल ना बोले। अब वो चाहे जैसी मर्जी टेढ़ी मेढ़ी जो है वो पेंसिल बना के ले आए, पेंसिल तो पेंसिल ही होगी ना, ठीक है, बोलना तो उसको पेंसिल ही है। अब जिस तरीके से ये है, जिस तरीके से ये है, अब जो कि एक बंदा जो है वो इस तरीके गार्लिक प्रेस लेके आया भाई, अब ये किस तरीके का लेके आया हुआ है, या ये दूसरे वाला जो है इसका हैंडल देखें दूसरा, इसका हैंडल दूसरा है, ये एक अगेन तीसरे आपके पास वेरिएशन नजर आ रही है। अब ये क्या कहे कि ये जो है वो मेरा गार्लिक प्रेस, ये बस मेरा ही गार्लिक प्रेस है, ये दोनों को कह दे कि ये आपका गार्लिक प्रेस नहीं है, ये अपना नाम चेंज कर लिया था, तो नहीं पॉसिबल ना। तो मीन्स क्या हुआ कि एक ऐसी चीज जो कि जेनेरिकली यूज होती हो, सही है, जिसका नेम जेनेरिक हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कि ये हमारा है, और सबसे ज्यादा लोग टाइप कर रहे हो तो उसको बोलते हैं कि ये हमारा क्या है, मेन कीवर्ड, और सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा टाइप कर रहे हो इसका मतलब क्या होगा कि उसका सर्च वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा, सही है, तो जिसका सर्च वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा वो क्या होगा, मेन कीवर्ड होगा, सही है। अब जिस तरीके से ये है, अब मुझे देख रहे हैं कि ऑक्सो ग्रुप गुड ग्रिप्स, अब जो गुड ग्रिप्स है वो बेसिकली एक कीवर्ड है, सही है, लेकिन उसके साथ क्या लगा हुआ है, ऑक्सो लगा हुआ है। अब ऑक्सो जो है वो एक ब्रांड का नेम है, तो इसको अब इस केस में बोलेंगे कि ये एक ब्रांडेड कीवर्ड है, इसको जो है वो कोई लोग यूज नहीं कर सकते, बट ये है कि इसको जो है वो हर बंदा जो है वो यूज कर सकता है, सही है। और सर ब्रांड नेम उसने अपने मेन कीवर्ड के साथ तो यूज किया हुआ है इस तरह सर, उसने नहीं यूज किया हुआ, बेसिकली लोग टाइप कर रहे हैं, उसने जस्ट सिंपल आपको डाटा जो है वो, जब हम जब ब्रांड रजिस्ट्री करवाते हैं तो उस टाइम हम ब्रांड नेम बताते होंगे हम, जी एग्जैक्टली आप बताते हैं, तो इन्होंने ये जो है वो ऑक्सो बताया हुआ होगा ना, तो ये सैलर की चॉइस है ना सर, कौन जोन सा भी रखे, हाँ जी रखे, बट ये नहीं है कि वो जेनेरिक नेम उठा के रख दे, सही है, तो उससे पहले आपको ट्रेडमार्क भी लेना पड़ता है, तो ट्रेडमार्क के लिए जो है वो मीन्स आपको वो फिर आपको ट्रेडमार्क के लिए भी देखना पड़ता है कि ट्रेडमार्क की जो टीम होती है, अगर आप कहेंगे मुझे गार्लिक प्रेस दे दे, अब वो कहेंगे अच्छा हमने आपको जो है वो गार्लिक प्रेस का ट्रेडमार्क दे दिया, आप तो सारे ही लोगों को जाके वो मार्केट में से उड़ा देंगे, अब जो बेचारे ये इतने सेल कर रहे हैं ये कहाँ जाएंगे फिर, तो इस वक्त जो है वो भी लोग देख रहे होते हैं, वो एक जेनेरिक सा जो ब्रांड नेम है वो किसी को अलाउ नहीं करते, वो कहते हैं कि नहीं आप अपना कोई, अब इस तरीके से ये है YOBOO, अब YOBOO ये योबो जो है वो पता नहीं इसका क्या मीनिंग बनता है, सही है, तो ये होता होता है, ठीक है जी। अच्छा मेरी जो है वो मैंने एक ज़रा दो मिनट देंगे, मैंने एक सिस्टम को कनेक्ट करना है, सीजनल नहीं है ट्रेंड, तो इसका बेसिकली सीजनल शो करवा रहा है, रोक के देखते हैं।
Amazon एक्टिव है सर, बिल्कुल Amazon इस पे। लेकिन अगर सर अपना वेयर हाउस और जिस तरह से का सिनेरियो मैंने बताया, तो इसमें क्या आपकी सजेशन है? देखे ना आप जो है वो ये PME जो ब्रांड है वो बार एक दो फाइव टॉप नाइन में से फाइव स्पॉट्स तो एक ही ब्रांड की है, सही है, बाकी भी पीछे बचता ही है। सही बात है। इवन कि आप FBM करके बैठते हो तो उसमें कोई कुछ नहीं बचेगा पीछे। सर एक और है सैंड पेपर, क्या है सैंड पेपर? जी सर सैंड, इसलिए क्योंकि पेपर्स में भी अक्सर अमेज़न जो है वो एक्टिव होता है ऑफिस की कोर्स में, कि डायरेक्ट टूल्स में आ रही है ये सैंड पेपर जो है इकट्ठे है, ये अलग अलग वर्ड है ये वाला सर, अलग अलग वर्ड इकट्ठे भी यूज होता है अलग अलग तभी से सर। ये तो जो है वो रिजल्ट डिफरेंट आ रहे हैं, ये इसमें से आप कौन से ये करना चाहते हैं ये वाला? जी सर ऊपर जो ये हो रहा है Amazon चॉइस वाला है, ये ब्लॉक्स हैं ये तो। सर इसके साथ ये ब्लैक वाला चल। डिमांड नहीं है 4000 उसके मेन कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम है 10,000। इसका कीवर्ड और ऐसा सेंडिंग रिस्पॉन्स ये
अच्छा ये बेसिकली क्या है, ये ब्लॉक्स हैं ये ना, जो कि उस एक्चुअली जो ये उसका जो तो ब्लेड है, ब्लॉक है बिल्कुल। हाँ उसके ब्लेड को जो है वो शार्प करने के लिए यूज होते हैं। सही है। इस टाइप के वो पेपर मिलते हैं ना हमारे पास, जिस पे वो जंग वगैरह उतारने के लिए, मैं उसकी बात कर रहा था बेसिकली। तो ये तो बड़े हैवी हैं ये तो। बट ये जो है वो इससे कि ये पार्ट ना सीजनल होती है, ये मुझे पता है, क्योंकि जो कटिंग शटिंग होती है ना ये किसी एक टाइम पीरियड में जाके करते हैं, ये ऑल ओवर द वो नहीं होती है। देखिए आप जो है वो अब इसमें जो है वो फिर एक टाइम पीरियड में ऊपर जाके फिर ये नीचे जाना, ये समर की बेसिकली प्रोडक्ट है ये वाली ना। समर में जो गोरे होते हैं अपने दरख्त वगैरह काट रहे होते हैं, तो उस वक्त जो है इसको यूज करते हैं। अरे